नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर मेमोरी टीवी में। दोस्तों, आप में से काफी व्यूअर्स है जो कि हमेशा ये रेगुलर क्वेश्चन करते रहते हैं कि इजी जी टैग कब आएगा, इजी जी टैग कब तक मिलेगा, और इजी जी टैग जैसे ही आए मुझे आप इन्फॉर्म कर दें कितने प्राइस का होगा। अगर दोस्तों आपके भी मन में ये सब क्वेश्चन है कि इजी जी टैग कब तक आएगा, कब मिलेगा, क्या प्राइस होगा, इसका रीजन क्या है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। फर्स्ट दोस्तों, ये इजी जी टैग जो मार्केट में नहीं आ रहा है, इसके लिए दोस्तों मैंने कई डीलर्स लोग से क्वेश्चन किया कि मार्केट में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, ये कब तक आएगा, और अगर नेक्स्ट स्टॉक जो आएगा भी, जैसा अभी तो आप जानते ही हैं कि ये ब्लैक में बिक रहा, तो अगर नेक्स्ट स्टॉक आया भी तो कितने प्राइस का होगा, क्या इसका रीज़न क्या है ये स्टॉक ना आने का। तो दोस्तों, कई डीलर हैं जिनका कई अलग अलग रिव्यू था, कई अलग अलग जवाब मिले मुझे। तो दोस्तों, इसका क्या रीज़न है, काफ़ी डीलर लोग का कहना ये है कि फर्स्ट रीज़न जो है कि इनके जो इजी जी टैग जो बॉक्स है उसके अंदर जो सर्किट है, सर्किट के अंदर एक आईसी लगती है जो कि सिम कार्ड को रीड करती है, जिसको सिम रीडर आईसी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आईसीज है ये मार्केट में चाइना में अवेलेबल नहीं है। जो ये सिम रीडर आईसीज बनती थी ये चाइना से ही आईसीज बनना बंद हो चुकी है, जो कंपनी बनाती थी वो कंपनी बंद हो चुकी है, उसके वजह से ये प्रोडक्शन रुका हुआ है। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स ना आने का रीज़न है कि इनके पास जो रीडर होता है, वो रीडर की जो आईसीज होती है वो अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, ये बात जो है ये 2 महीना पहले से ही सबको बताती कि इसमें पहले से ही कंपनी ने बोल दिया था कि ये जो हमारा प्रोडक्शन है इसी जी टैग का, वो आगे जाके कम होने वाला है या तो बंद होने वाला है। तो प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों आज भी इनका प्रोडक्शन बंद चल रहा है, अभी तक जो ओल्ड बॉक्स है मार्केट में वही बिक रहा है। तो दोस्तों, अभी जो नए बॉक्स है वो मार्केट में आने में अभी और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये आईसीस रीड करने वाली आईसीस नहीं मिलेगी तब तक वो आगे काम स्टार्ट होने वाला नहीं है, और अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों, ये जो आईसीस आती है, जो सिम रीडर की आईसीस आती है, वही सेम आईसी आपके यूएमटी में भी यूज़ होती है, यानी आपको जो यूएमटी का डोंगल आता है या तो ईएफटी या कोई भी स्मार्ट कार्ड रीडर हो उसके अंदर भी यूज़ होती है। तो वही जो आईसीज है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए दोस्तों सिम कार्ड रीडर जो आता है, जो ब्लैंक डोंगल आता है, उसका भी रेट बढ़ा हुआ है या तो आउट ऑफ स्टॉक है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे इजी जी टैग के लिए भी यही इश्यूज आ रहा है, जो कि इजी जी टैग के बॉक्स अभी नए मार्केट में नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात आता है कि काफी लोग ने पूछा है कि इजी जी टैग का कुछ नया बॉक्स आने वाला है क्या, इजी जी टैग का कुछ नया अपडेट आ रहा है क्या, वो बॉक्स पहले वाले बंद हो जाएंगे क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो मार्केट में ऐसा कुछ लोग ऐसा बता के रखे हैं, कुछ लोग ऐसे यूट्यूब पर भी मैंने देखा कई लोग का कि उन्होंने बता रहे कि इजी जी टैग हो सकता है नया बॉक्स लाए, बट ऐसा कोई अपडेट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं आया है कि कोई उनका नया बॉक्स आने वाला है। जो बॉक्स था वही सेम बॉक्स चलने वाला है, इजी जी टैग का जो ब्लैक बॉक्स आता है वही ओरिजिनल बॉक्स है, वही अभी तक आना बंद है। जैसे एक बार स्टॉक वापस से इनका प्रोडक्शन चालू होगा वैसे वापस से आना चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, ये स्टॉक अभी मार्केट में अवेलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, इंडिया में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये बात काफ़ी लोग पूछते हैं कि अभी ये स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा। बट दोस्तों, अभी यहाँ पे कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि उनके स्टॉक मार्केट में अटके हुए हैं, यानी कस्टम में अटके हुए हैं, उनके स्टॉक जैसे रिलीज होंगे मार्केट में वापस से कुछ इजी टैग के बॉक्स आ जाएंगे, जो ओल्ड वाले थे ब्लैक बॉक्स, वही बॉक्स आपको मार्केट में वापस से देखने मिल सकते हैं। बट दोस्तों, ये जो है बात कि इजी जी टैग का प्रोडक्शन अभी भी बंद है, तो इजी जी टैग का नया जो स्टॉक आना है उसमें टाइम लग सकता है। अभी जो स्टॉक आएगा भी मार्केट में वो लिमिटेड आएगा, और वही वैसे ही जैसे आज भी ब्लैक में बिक रहा है वैसे ही ब्लैक में वो भी बिकता रहेगा। लोग पूछ रहे हैं कि इजी जी टैग के अलावा दूसरा कौन सा ऑप्शन है, जैसे दोस्तों यूएफआई में भी यूएफएस का ऑप्शन आ चुका है, अगर आपके पास यूएफआई है तो उसमें भी आप एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड आता है दोस्तों
मडुशा बॉक्स, मडुशा बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, इसके UFS के ऑप्शन उसमें भी दिया हुआ है। अगर आपको इजी जिटैक बॉक्स चाहिए तो दोस्तों जल्द ही मार्केट में कुछ नए पीसेस आने वाले हैं, तो थोड़ा वेट करके इजी जिटैक के लिए भी आप देख सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे बात आती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग मार्केट में मनमानी लिया जा रहा है, यानी आपका कोई प्राइस फिक्स नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज आपने ये प्राइस बताया तो कल ये प्राइस हो गया। आज डीलर्स लोग को भी ऐसे ही प्राइस दिए जा रहे हैं कि वो खुद परचेस ना करें। जैसे अभी ऐसे प्राइस मुझे भी मिलते हैं सामने से कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को क्या बोलूँ। ऐसे भी प्राइस में जो खुद कोट होते हैं। तो दोस्तों ये इश्यूज तो है, प्राइस के इश्यूज काफ़ी है कि आप ओवर प्राइसिंग में माल बिक रहा है। यानी इजी जेटेक का जो एक्चुअल रेट है 16,500 मैंने पहले भी बताया है। रेड बॉक्स आप बिल्कुल ना परचेस करें, रेड बॉक्स जो है वो इजी जेटेक का ओरिजिनल बॉक्स नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर आप परचेस भी करें तो ब्लैक बॉक्स परचेस करें। ब्लैक बॉक्स जो है दोस्तों वो आप परचेस करें, उसका एक्चुअल रेट है 16,500। अब आप कितने में परचेस करते हैं, कितने तक परचेस कर सकते हैं और कितने में उस टाइम पर मिल रहा है वो एक अलग बात होगी। तो दोस्तों ये प्राइस के बारे में इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि अभी मार्केट में स्टॉक है नहीं, जिनके पास स्टॉक है वो ब्लैक में बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, काफ़ी लोगों का ये कहना था कि क्यों नहीं आ रहा मार्केट में और ये कब तक आएगा। तो दोस्तों हो सकता है मार्केट में ये जल्द ही आपको कुछ बॉक्स देखने मिल जाए जिनके माल बीच में अटके हुए थे, कस्टमर अटके हुए थे। अगर उनका माल रिलीज होता तो आपको मार्केट में कुछ बॉक्स नए वापस से देखने मिल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही दोस्तों कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी वैसे नए माल स्टार्ट आना चालू हो जाएंगे। अब ये कंपनी कब स्टार्ट कर रही है, क्या कर रही है, जैसे मेरे पास कुछ न्यूज़ आती है इसके बारे में तो आपको ज़रूर अपडेट करूंगा कि इजी जेटेक कब तक मार्केट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा अपडेट था। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे इजी जेटेक कब तक आएगा मार्केट में, इसके रिलेटेड इजी जेटेक के रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो मन में, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके रिलेटेड कोशिश करूंगा मैं आपको जरूर जवाब देने की। तो ये छोटा सा अपडेट था, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।